सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। किसी कारणोंवश मैं अभी आपको वीडियोस नहीं दे पाया था। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं में बिजी होने के कारण, एग्जामिनेशंस में शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं आप तक बहुत सारा मैटर नहीं पहुंचा पा रहा हूं जो मुझे पहुंचाना चाहिए था। इसके लिए पहले तो आपसे क्षमा मांगता हूं। और दूसरी बात यह है कि आज हम लोग पूरी इस वीडियो में आज बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके की स्ट्रेटजी तैयार करें कि हम फुल ईयर अपनी प्रिपरेशन कर पाए, यानी पीजीटी केमिस्ट्री की फुल प्रिपरेशन के लिए हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये सब बातें आज हम इस पूरी वीडियो में करेंगे। हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमें पूरे साल में अपने इस सब्जेक्ट को किस तरीके से डिवाइड कर लेना चाहिए कि हम आसानी से पढ़ सकें। वैसे तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि जो फुल ईयर प्रोग्राम है, उस फुल ईयर प्रोग्राम में अधिकतर जो लोग हैं वो पूरी अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं कि केमिस्ट्री में तीन पार्ट होते हैं। एक इनऑर्गेनिक पार्ट आता है, एक इनऑर्गेनिक पार्ट आता है और दूसरा पार्ट ऑर्गेनिक का आता है, ऑर्गेनिक का आता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है और नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। यानी कि अब हमारे पास ऑप्शन जो होते हैं वो इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इस तरीके से डिवीजन हो रहा है। लेकिन ये तो दुनिया जान रही होती है कि आखिरकार हमको कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, नॉर्मल जो आप जानते हैं। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपको वाकई में अगर आप अपनाएंगे तो वो तरीके हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, लाभदायक हो जाएंगे, जिनका हमें भरपूर यूज करने को मिल सकता है। और अगर हमने उस तरीके से तैयारी की तो फिर मान के चलिए कि सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाती है, सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ जाता है और हम आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ये आप पूरी तरीके से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार हम लोग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरीके से डिवीजन दें कि हम आसानी से प्रिपरेशन कर सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग कैसे डिवाइड कर लें। तो मैं यहां पर पहले अभी बात करने जा रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री की, पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री में हमने क्या करना चाहिए वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे वो चीज देखते हैं कि हम लोगों को किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, कौन कौन सी बातें हमें माइंड में हमेशा बनानी है। देखिए, सबसे पहला काम तो एक आप सेट बना लीजिए और उस सेट में, यानी कि सबसे पहले हम लोग सेट, अभी मैंने क्या किया है कि अपनी जो तैयार किया है मटेरियल उसमें मैंने जो तैयारी की है वो तैयारी है कि मैंने सबसे पहले फ्लास्क बनाए हैं, है ना, फ्लास्क नंबर वन। फ्लास्क वन में मैंने दिए हैं सभी फार्मूले, यानी कि फ्लास्क वन में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के सभी फार्मूले दिए हैं, जो जितने भी फार्मूले फिजिकल में आ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं आपको कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मैंने सॉलिड स्टेट चैप्टर उठाया, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि इसमें जो फार्मूले यूज हो रहे हैं वो मैंने एक पन्ने पे यूज कर लिए। ऐसे ही मतलब पूरे फार्मूले का एक ग्रुप मैंने बना रखा है, वो चाहे सॉल्यूशन का हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स का हो, किसी भी थर्मोडायनेमिक्स का हो, कोई भी चैप्टर हो उसके मैंने फार्मूले बना दिए हैं। तो फ्लास्क नंबर मेरा वन फार्मूले का फ्लास्क है। जरा ध्यान दीजिएगा आप मैंने किस तरीके से डिवीजन किया है। दूसरा फ्लास्क मैंने बनाया हुआ है, फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एक किताब भी है, फ्लास्क नंबर टू। यानी कि अगर फ्लास्क नंबर, मैं आपको किताब दिखा भी देता हूं, मेरे पास किताब इस समय उपलब्ध है, ये आपको बता देता हूं कि इस तरीके का ये फ्लास्क मैंने, ये बुकलेट मैंने तैयार की है, ये मेरे पास में है और ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के नाम से है। तो इस फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के नाम से ये किताब है, इस किताब का हम लोग भरपूर यूज करेंगे, देखेंगे इसे कि इसमें हमने कैसे डिवीजन किया हुआ है। तो वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूं, वही मेथड मैं आप पर अप्लाई कर रहा हूं।
और आप भी अप्लाई करिएगा अपने बच्चों पर। तो फ्लास्क नंबर टू में हमने क्या रखा है, फ्लास्क नंबर टू में मैंने न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं कि जितने भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सीख लें। तो फ्लास्क नंबर टू में मैंने न्यूमेरिकल डाले हुए हैं, यानी कि उसके बाद मैं बात कर लेता हूं थर्ड यानी फ्लास्क नंबर थ्री। यानी एक एक चैप्टर में मतलब क्या क्या चीज चलेगी वो आपके सामने चल रही है। फ्लास्क नंबर तीन में मैंने जितने भी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, हॉट्स जिन्हें आप बोलते हैं, वो मैंने यूज किए हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी फ्लास्क नंबर फोर में मैंने यूज किया है क्वेश्चन आंसर। तो ये अब आपके सामने डिवीजन हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो आप अच्छे से जान लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने चार फ्लास्क तैयार कर लिए हैं तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री आपसे बच कर नहीं जाएगी। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में इन सब चीजों पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल 101% सभी क्वेश्चन के करने के हकदार हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन बसरते आप पूरे पहले इसी पैटर्न को फॉलो करिए, या अपना कोई पैटर्न भी आप बना सकते हैं तो बनाइए। लेकिन मैंने तो भैया ये पैटर्न बनाया, मुझे समझ में आया और मुझे ये लगा कि आप तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि पहले फार्मूले पढ़ लें, उसका न्यूमेरिकल कर लें, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कर लें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लें। लेकिन इन सब बातों के लिए आपको पहले हर चैप्टर को डीपली पढ़ना पड़ेगा, ये तय है। क्योंकि अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल फार्मूले बेस है तो हो जाएंगे, अन्यथा आपसे नहीं हो पाएंगे, ये भी तय है। तो पहले आप डिवीजन करिए। इसी तरीके से मैंने ऑर्गेनिक, ये तो मैंने बात कर ली है किसकी, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की। और इसमें भी आपने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आंसर में डेरिवेशन भी जितने भी हैं वो डेरिवेशन भी मैंने समेटे हुए, वो क्वेश्चन आंसर में ही मैंने यूज कर दिए कि हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से डेरिवेशन बन सकते हैं। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन आंसर प्लस डेरिवेशन पार्ट भी इसको दे सकते हो, मतलब यहां पर एक वर्ड ऐड कर सकते हो डेरिवेशन। ये मैंने ऐड नहीं किया है लेकिन आप इसको ऐड कर सकते हो। और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जितने भी, इन्हें हम लोग कंसेप्चुअल भी बोल सकते हैं कि हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, कंसेप्चुअल भी बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। इसमें अगर आप चाहो तो फिर शॉर्ट नोट भी लगा सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट नीचे इसी में लगाइएगा, शॉर्ट नोट्स जो आ जाते हैं अक्सर, मतलब इन्हीं पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे तब हो जाएंगे। क्योंकि पेपर तो जितने पीजीटी के होते हैं वो सभी आप जान रहे होते हैं, सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू करने के लिए हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे आप मान के चलिए कि नो कंफ्यूजन मटेरियल लेना पड़ेगा, तब जा करके हमारा फायदा होगा। अदरवाइज हम किसी भी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएंगे, ये आपको मेरी सलाह है। एक बात, अब हम लोग नेक्स्ट में पहुंच लेते हैं, बी पार्ट में पहुंच लेते हैं। और बी पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, पेन हम लोग व्हाइट यूज कर रहे थे तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट ही चला रहे हैं। यहां पर बी पार्ट हमारा है और बी पार्ट में आप जान रहे हैं अच्छे से कि बी पार्ट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब हमने दूसरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिया, पहले वहां इनऑर्गेनिक था लेकिन मैंने उल्टा चला है, है ना, आप ये बात भी ध्यान दे लीजिए। नहीं कहे कि सर आपने क्या ये क्या किया हुआ, वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। यहां मैंने फिजिकल को ए लिया है, फिर मैं नीचे से चल रहा हूं, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इस तरीके से चल रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं पहले। अब यहां पर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या किया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक मैंने रखा है, देखिए नंबर वन यहां पर मैंने दिया हुआ है, नंबर वन सबसे पहला मैंने काम जो किया है वो ये किया है, यहां पर कन्वर्जन्स को नाम दिया, यानी कि सबसे पहला फ्लास्क ही मेरा कन्वर्जन फ्लास्क है तो मैं इसे कन्वर्जन फ्लास्क के नाम से मैंने रखा है। या आप चाहें तो जैसे मैं इसे अगर आपको लिखना चाहूं, अभी आपके पास किताब तो है नहीं, लेकिन मैंने यहां पर फ्लास्क नंबर वन जो दिया है वो कन्वर्जन का दिया है, कन्वर्जन का फ्लास्क दिया है। और कन्वर्जन में जितने भी कन्वर्जन है वो ज्यादा से ज्यादा यूज किए हैं, जो पीजीटीज में आए हुए हैं उनको भी मैंने यूज किया है, तो इसे मैंने कन्वर्जन फ्लास्क के नाम से दिया हुआ है। कन्वर्जन फ्लास्क ऐसे न्यूमेरिकल फ्लास्क मैंने बनाए हैं। अब दूसरा मैंने जो लिया है फ्लास्क नंबर टू, वो फ्लास्क जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्लास्क नंबर टू में, वो आती है मैकेनिज्म, तो इसे मैंने मैकेनिज्म फ्लास्क के नाम से भी दिया है, मैकेनिज्म फ्लास्क भी मैंने यूज किया है। तो फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री जो बुक है
वो मैंने पीजीटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकिन ऑफलाइन ही अप्लाई कर रहा हूं उसको, ये मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूं, इसलिए आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपको भी वो सुविधा दी जाएगी। ये मैं अपने उन ऑफलाइन बच्चों को दे रहा हूं जिनको मैं लगातार क्लासेस लेता हूं, क्योंकि अभी मैंने 10-12 दिन से क्लास नहीं लिया है, अभी क्लास में नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जब भी क्लास में पहुंचूंगा तो नई बुक मैंने अप्रैल से देने का वादा किया था और वो मैं अप्रैल में प्रोवाइड करवा दूंगा, मटेरियल मेरा रेडी है। अब इसके बाद मैंने फ्लास्क नंबर 3 की बात की है। फ्लास्क नंबर 3 में मैंने जो यूज किया है वो यहां पर नेम रिएक्शन का फ्लास्क रखा हुआ है, फ्लास्क नेम रिएक्शन फ्लास्क। अब आप समझ जाएंगे कितने बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की गई, नेम रिएक्शन फ्लास्क मैंने रखा है। फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री किताब है ही मेरी। उसके बाद 4th नंबर पे मैं लाया हूं फ्लास्क नंबर 4। इस फ्लास्क नंबर 4 में मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर को यूज किया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर्स। यानी यहां पर मैंने जैसे डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, इसी तरीके से एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस, इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में डिफरेंस, इसी तरीके से फिनॉल बेंजोइक एसिड में डिफरेंस, एनिलीन इथाइलामीन में डिफरेंस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने यूज किए हैं इस डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स। ये छोटी छोटी बुकलेट्स भी मैंने यूज की हैं, इन छोटी छोटी बुकलेट्स को भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जैसे कि मगर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मेरे पास एक बुक है उसको भी मैं दिखा रहा हूं। देखिए मैंने क्विक अप्रोचेस भी तैयार की हैं, ये इस तरीके से क्विक अप्रोचेस भी है, इसी तरीके से देखें फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री है, दिख रहा है आपको। इंजीनियरिंग बच्चों के लिए भी मेरी पर्टिकुलर अलग है और आपके लिए भी अलग है। इस तरीके से अंदर आपको फ्लास्क के नाम भी मिलेंगे, अगर आपको लगता हो तो देखिएगा, देखिए फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री नाम आपको मिलेगा पूरी तरीके से, देखिए ये इस तरीके से मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सब छोटी छोटी बुकलेट्स देखिए, ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री मैंने ये वाली बुक भी बनाई है, ये देखें यहां पर इस तरीके से पूरा डायग्रामेटिकली बुक है, और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो आपको मैटर भी मिलेगा, डिटेल पूरी है बुक के अंदर। इस तरीके से फ्लास्क भी आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए मैंने आपको बताऊं कि ये जैसे हाईली रिएक्टिव फ्लास्क भी मैंने बुक का नाम दिया है, आप देख लीजिए आपको दिखाई देगा। तो ये सब मैंने आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार किए हुए हैं, और ये सब मटेरियल मेरे ऑलरेडी, मैं यही मटेरियल इसी तरीके के मटेरियल हर क्लास के बच्चों में भी अप्लाई करता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर मेथड अगर छोटे लेवल का है तो छोटी तरीके से अप्लाई करिए, बड़े लेवल का है तो बड़े लेवल पे अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैंने पांचवा जो फ्लास्क लिया है वो पांचवा फ्लास्क भी मैं बता दे रहा हूं, फ्लास्क नंबर 5। ये फ्लास्क नंबर जो 5 मैंने लिया हुआ है, ये फ्लास्क नंबर 5 जो है वो रिएक्टिव फ्लास्क है। यानी कि रिएक्टिव फ्लास्क का मतलब हुआ कि यहां पर मैं सब वो चीजें रिएक्टिव फ्लास्क लिया है, इस रिएक्टिव फ्लास्क में मैं सभी जितने भी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी यूज कर लूंगा, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी यूज कर लूंगा, क्वेश्चन आंसर्स भी यूज कर लूंगा, और अगर कोई न्यूमेरिकल्स या फिर कोई भी कंसेप्ट टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, यानी कि अगर ऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल भी आते हैं तो भी मैं इसी में ही यूज करूंगा, ठीक है। अगर इसी के अंदर जो न्यूमेरिकल है उनके अलावा भी कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो वाकई में हमें पढ़ने चाहिए, वो मैंने सब रिएक्टिव फ्लास्क में लिख रखे हैं, यूज कर रखे हैं, तो मैं ये जानकारी आप तो देना चाहता हूं। अब यहां पर क्या है कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी डिवीजन किया हुआ है, और इन्हीं डिवीजन को लेकर के मैं पूरी बातें करूंगा, चाहे वो फोटो केमिस्ट्री की बातें हों, चाहे वो स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें हों, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो, चाहे हेट्रोसाइक्लिक में ऑर्गेनिक हो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो, या फिर आपकी पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड हो, या एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो, किसी भी तरीके के कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो इन्हीं फ्लास्क के अंदर लाएंगे हम। जो रिएक्टिव फ्लास्क है इसके अंदर बचा हुआ मटेरियल मैंने सब डाल दिया है। हाँ, अगर मुझे कुछ लगा तो इनको भी सेपरेशन मैं करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिए मैंने सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूला फ्लास्क लिया है, यानी कि सबसे पहले मैंने लिया है फ्लास्क नंबर 1, इसको मैंने फार्मूला फ्लास्क नाम दिया है। अब फार्मूला का मतलब हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं
जो हम लोगों को नहीं याद रह जाते, जैसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट हो जाता है कभी कभी, है ना, जिनमें कुछ कंफ्यूजन रहता है वो मैक्सिमम उनके साथ सिंपल भी मैंने यूज कर दिए हैं, वो भी आपको पढ़ लेना है। फ्लास्क नंबर टू में, फ्लास्क नंबर टू में मैंने क्या काम किया है, फ्लास्क नंबर टू में जितने भी चैप्टर्स हैं यानी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, यानी इसे मैंने शॉर्ट फ्लास्क नाम दिया है, शॉर्ट फ्लास्क नाम दिया हुआ है। तो शॉर्ट फ्लास्क के अंदर आपको हर चैप्टर के चैप्टर वाइज, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, इस तरीके के जो भी चैप्टर्स आपको दिखाई देंगे उन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स टाइप के मिलेंगे आपको, वो आपको मदद करेंगे। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ब्रॉड नहीं पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको कम समय में ज्यादा मटेरियल और ट्रिकी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा और इसमें ऐड करूं जिससे कि आपको आसानी हो, लेकिन फिर भी जो मैंने तैयार कर रखा है वो मैं आपको बताता हूं। फ्लास्क नंबर वन, इसमें मैंने फार्मूला लिया है, फ्लास्क नंबर टू शॉर्ट फ्लास्क लिया है, और फ्लास्क नंबर थ्री में रिएक्शंस लिए हैं चैप्टर वाइज। तो यहां पर यानी रिएक्शन फ्लास्क मैंने इसका नाम दे दिया है, रिएक्शन फ्लास्क इसका नाम दे दिया है। ये सब मैटर मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से अब इतने प्रॉपर तरीके से चैनल पर दूंगा कि आपको अब कोचिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं, बहुत कम खर्चे में आपका बहुत बड़ा काम चलने वाला है। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं, तो आप तक हर वो अपडेट आता रहेगा जो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या फालतू का डिस्कशन मैं करना नहीं चाहता हूं, जैसे कि आप रोज पूछेंगे सर रिजल्ट कब आया, कोई जवाब नहीं आ पाएगा। कारण है कि जिसका जो समय है भाई, कोई भी एग्जामिनेशन हुआ है तो कम से कम 2 महीने का समय तो 3 महीने का लगता ही है, 2 महीने मिनिमम समय आप मान के चलिए रिजल्ट का वेट। ये नहीं कि रोज आप मैसेज डालें, फोन करें कि सर वो रिजल्ट कब आने की आपको कुछ पता है। अरे भाई मैं आयोग का कोई आदमी तो हूं नहीं, मैं भी आप में से एक टीचर हूं, तो मुझे भी बहुत सारे जो हमारे ऐसे जानने वाले मित्र हैं जो अनुभवी हैं उस क्षेत्र में हैं, उनसे भी बात होती है मेरी, तो वो लोग भी अपना आइडिया रखते हैं और मैं भी अपना एक तजुर्बा रखता हूं कि वहां यहां तक ये लेवल पे काम चल रहा है। अगर कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वैकेंसी कब तक आने वाली है, तो वैकेंसी की भी आपको बता देते हैं कि अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में कुछ उम्मीद बनाई जा रही है, क्योंकि जितना जो प्रोसेस हमें, जैसे हम लोग भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उस क्षेत्र से जो चीज मांगी जाती है तो उसका अनुमान लगाते हैं कि आखिरकार ये हमसे क्यों ली गई है, हमसे अगर ली गई तो उसका कोई रीजन तो रहा होगा, और रीजन क्या होगा वो हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि वैकेंसी मांगी तो भाई वैकेंसी का मतलब है कि हमारे स्कूल में कितनी वैकेंसी खाली, अगर ये मांगा जा रहा है तो मतलब डाटा तैयार हो रहा, तो ये चीजें सब चलती हैं। फिर फिलहाल आप अपनी तैयारी रखिए, वैकेंसी तो आना तय है, अब चाहे वो 1 महीने बाद आ जाए या फिर 2 महीने बाद आ जाए, लेकिन वैकेंसी विद इन 3 मंथ्स उम्मीद है कि आपके सामने होगी, ये मेरा अपना अनुमान है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे फ्लास्क नंबर 4 में मैंने क्या लिया, जैसे यहां तो मैंने रिएक्शन फ्लास्क लिया है, इसी तरीके से फ्लास्क नंबर 4 में मैंने यहां पर एलॉय और मिनरल्स भी यूज किए हैं, एलॉय प्लस मिनरल्स मैंने यूज किए इसमें, है ना। इसी तरीके से फ्लास्क नंबर अगर हम लोग 5 में चल लेते हैं तो फ्लास्क नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यानी कि फ्लास्क नंबर हमारा आ गया 5, फ्लास्क नंबर आ गया हमारा 5। इस फ्लास्क नंबर 5 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी ट्रेंड्स होते हैं, जितने भी IUPAC नेम होते हैं, इसे मैंने नाम रखा है मिसलेनियस फ्लास्क, नाम रखा है मिसलेनियस फ्लास्क, ठीक है ना, मिसलेनियस फ्लास्क नाम मैंने रखा हुआ है। तो अब आप इसे मिस फ्लास्क ना समझ लेना, है ना, मिसलेनियस फ्लास्क नाम रखा हुआ है। तो इसमें हमने जितनी भी चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं वो हमने क्या काम किए, ऐड कर दी हैं। यानी जैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन के IUPAC मैंने इसमें डाले हैं, IUPAC डाले हैं, और इसमें ब्रिज वाले भी IUPAC डाल दिए हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जो ऐसे माने कि स्ट्रक्चर पे बेस होते हैं, उनको भी मैंने लिया है। यानी कि मैंने अगर आपको हिंट देना चाहूं तो बता सकता हूं स्ट्रक्चर बेस जो होता है वो, जैसे H3PO3 का, तो वो स्ट्रक्चर भी मैंने डाल रखे हैं इसमें। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन एक्सेप्शनल है तो उसे मैंने एक्सेप्शंस में अलग ही कर दिया है, बिल्कुल वो दिक्कत आपको नहीं। तो ये पूरी मैंने 5 इसमें तैयार किए हैं, मैंने इसी तरीके से 5 इसमें तैयार किए, इसमें भाई साहब मैंने 4 तैयार किए।
अगर मुझे लगा कि कुछ और ऐड करना है या आप भी मुझे सलाह दे सकते हैं, मैं आपसे सलाह मांग भी सकता हूं और कोई बुराई भी नहीं है कि अगर आप बताना चाहें कि सर इसमें ये चीज आप और ऐड कर लीजिए, तो साहब मैं वो चीज आपको और ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरा मैंने छोटे छोटे बंच में छोटी छोटी बुकलेट्स में मटेरियल तैयार किया है और ये मटेरियल मैं आपको इस मटेरियल की मदद से ही आपकी पूरी मदद करूंगा, ये भी तय है। और ये बता देना चाह रहा हूं कि आप क्या करें, जो भी तैयारी होती है वो ट्रिक्स के साथ में होती है, यानी अगर आपको लंबा याद रखना है तो ट्रिक्स भी बना लीजिए, साथ में छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, यानी कि शॉर्ट नोट भी आप अपने पास रखें, नोट्स बहुत लेंथी ना हो ये बात भी आप ध्यान रखें। उसके बाद कुछ ऐसी एक्सेप्शंस की चीजें होती हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो एक्सेप्शंस भी अपने दिमाग में आप लोग रखिए, यानी एक्सेप्शंस का भी एक नोट्स बना लीजिए और इनसे पढ़ने की कोशिश करना शुरू कीजिए। ये सभी मैटर जितना भी है ये हैंड रिटन भी है और कुछ मैटर प्रिंटेड भी है, ये सब मैटर मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा मैंने तैयार किया हुआ है। इस मैटर की मदद से मैं सभी साथियों को पूरी तरीके से पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए तत्पर रखूंगा। सन 2022 में जो भी वैकेंसी आएगी पीजीटी की, उस पीजीटी की वैकेंसी के लिए मैं अनुज शर्मा आपके साथ हूं और आपकी तैयारी में पूरी मदद करूंगा कि आप पीजीटी केमिस्ट्री इजिली, वो एग्जाम जिस एग्जाम की लालसा सभी को रहती है, वो एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करें और क्वालिफाई करने के बाद आप एक अच्छे पीजीटी के टीचर बन सके। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जो भी मेरा नंबर है वो नंबर आप व्हाट्सएप पर भी है और टेलीग्राम पर भी है, 9473702711, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज मुझे छोड़ सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर करूंगा, भले कुछ समय लगे लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ पूरी तत्परता के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको ऐड करूंगा अपने उस पर्सनल ग्रुप में जहां पर बच्चे तैयारी करने के लिए ऐड कर रहा हूं। अब मैं ये बैच बना रहा हूं, ज्यादा नहीं रखूंगा, एक बैच में मात्र 15 बच्चों के साथ प्रिपरेशन लेकर के चलूंगा और मैक्सिमम मुझे ज्यादा नहीं मात्र 2 बैच पढ़ाने हैं, बाकी मेरे ऑलरेडी ऑफलाइन चल रहा है, ये दोनों बैचेस नाइट में रहेंगे और नाइट में भी इनको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं और मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, मुझ पर विश्वास और भरोसा करते हैं, क्योंकि अभी आपने GIC का पेपर दिया है, जिन साथियों ने उन्होंने इतना भरोसा तो शायद कर लिया होगा कि पेपर मेरी हर वीडियो में से क्वेश्चन था, जैसे कि 10^-8 मोलर का क्वेश्चन वीडियो में देख लीजिए, पहले ही पढ़ाया गया है, बाद में पेपर में है। डी ब्रॉगली की क्वेश्चन पहले ही इंपॉर्टेंट बताई गई है, बाद में पेपर में है। इस तरीके से मैंने जितने भी क्वेश्चन लगभग आपसे डिस्कशन किए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके GIC के क्वेश्चन पेपर में है। SN1 SN2 पे 102 बार 103 बार इंपॉर्टेंट लगा रखा है, वो भी है। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी के लिए भरोसा कर सकते हैं तो फिर आप मेरे चैनल पर बने रहिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों को चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए, तो मैं आपके लिए तैयारी के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं और नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगा, नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए तरीके के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी के साथ। तब तक आप इस वीडियो का एंजॉय करिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि समय गवाइए नहीं, समय को कमाइए। नमस्ते।